नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड न्यूज लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात देहरादून की, जहां पर विकास परक योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री आवास में समीक्षा बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक ले रहे हैं। इसमें डीडी हाट, गंगोली हाट, कपकोट, बागेश्वर और सल्ट को लेकर समीक्षा की जा रही है। वहीं रानीखेत, सोमेश्वर, जागेश्वर और चंपावत में चल रही योजनाओं के बारे में भी समीक्षा की जा रही है। सरकार द्वारा इन सभी विधानसभाओं में विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक ले रहे हैं। ये योजनाएं कितनी आगे बढ़ी हैं और अगर ज्यादा प्रगति नहीं है तो इसकी क्या वजह है, इसको लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। संवाददाता हमारे साथ योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। योगेश, बताइए जरा, प्रगति को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, समीक्षा बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक में क्या कुछ इस वक्त निकलकर सामने आया है, कुछ मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है क्या? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि समीक्षा बैठक में मीडिया को तो अलाउड नहीं कर रखा है, लेकिन इतना जरूर है कि ये समीक्षा बैठक खासतौर पर विकास कार्यों को लेकर है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर कह चुके हैं कि जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो धरातल पर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। उन्होंने डीएम को भी ये कह रखा है, उन्होंने बाकी जो वो जितने जो प्रभारी बना रखे हैं मंत्री, उनको भी कह रखा है कि सभी समय समय पर जो है अधिकारी भी समय समय पर समीक्षा बैठकें लें। जब खुद मुख्यमंत्री ले रहे थे, इसका मतलब ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं कि आखिर योजनाएं कितनी आगे बढ़ी हैं, अगर नहीं बढ़ी हैं तो क्या वजह है जो कि आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसको लेकर काफी समय, लंबे समय से जो है अभी बैठक चल ही रही है, क्या कुछ रहेगा ये जरूर बैठक के बाद सामने आएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री काफी गंभीर इस चीज को लेकर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री इसको लेकर गंभीर है और इसी को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने पीएमजीएसवाई 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2288 किलोमीटर सड़क के आवंटन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को बुलाई गई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में 104 मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसकी लंबाई 1091 किलोमीटर और लागत 857 करोड़ है, जिसके तहत अल्मोड़ा की 4, बागेश्वर की 4, चमोली की 18, देहरादून की 5 और हरिद्वार की 11 सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मिनट्स के अंदर मुझे उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि एक समय यह था कि कहते थे कि जो कुदा झुंगरा खाता है गरीब आदमी है, लेकिन आज मिलेट्स जो है अमीर आदमियों की थाली का भोजन हो गया है। अभी मैं केरल में एक 3 दिवसीय सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला, मैं वहां देख रहा था, वहां भी जब हमें लंच में, डिनर में हमें खाना दिया गया, मिलेट्स थे, और मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है, कहते हैं जो मड़वा खाता है उसको अभी शुगर नहीं हो सकता। तो हमने इसके लिए एक प्रोग्राम तय किया है। अभी मैंने 4 दिन पूर्व एक बैठक अपने आवास पे की थी, हम शीघ्र ही मिलेट्स मेले लगाने जा रहे हैं, एक हम देहरादून में लगाने जा रहे हैं, एक हम नैनीताल में लगाने जा रहे हैं। इस प्रकार हमने कहा जितने हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर भी इस प्रकार के मेले को किया जाए और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। और 14 तारीख को हमने गैरसैंण में भी एक मिलेट्स के भोज का कार्यक्रम रखा है। तो वहीं रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रदेश सरकार और अधिकारियों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में G20 की बैठक काफी अहम है और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात भी है। बैठक को सफल बनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू के अलावा कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी धीराज सिंह ग्वालियर भी बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें, वो निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश देते दिखे। इसी क्रम में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला रामनगर पहुंचे। उन्होंने कोसी बैराज क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके चलते अब रामनगर में स्थित कोसी बैराज भी कई सालों बाद चमकेगा।
तो 28 से 30 मार्च तक जो G20 की बैठक होने वाली है उसको लेकर अब निरीक्षण प्रक्रिया चल रही है, तमाम चीजों का जायजा लिया जा रहा है। बैठक को लेकर प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी है, तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। और बैठक के बाद जो रामनगर का इलाका है वो भी अब चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कुछ खास दिशा निर्देश इसको लेकर दिए गए हैं। बैराज की स्थिति में सुधार आए, उसको और सुचारू रूप से सही व्यवस्थित किया जाए, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अब ऐसे में बैठक के बाद प्रशासन लगातार सरफ कदम उठाने की तैयारी में है। तो 28 से 30 मार्च तक G20 की बैठक और उससे पहले तमाम तैयारियां पूरी हो जाएं, उसका निरीक्षण करने के लिए आला अधिकारी पहुंच रहे हैं। लोगों को ये भी बताना चाहूंगा, बड़े फख्र का विषय है कि यहाँ पर G20 जैसा सम्मेलन हमारे इस शहर में रामनगर में हो रहा है। इसमें तैयारी के संबंध में ऊपर से भी निर्देश हमें प्राप्त हो चुके हैं और इसमें अविलंब इसमें कार्य किया जाना है। मुख्यतः सौंदर्यीकरण का है, जो बैराज है काफी पुराना, लंबे समय से इसमें पेंटिंग इत्यादि नहीं हुई है, उससे संबंधित कार्य हो रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं, फिट वर्क होने हैं जिससे एक प्रोजेक्शन अच्छा जाए और विभाग भी हमारा अच्छा कार्य कर रहा है, ऐसा मैसेज भी जाए। रामनगर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि UKPSC की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की धामी सरकार गड़बड़ी से बाज नहीं आ रही है। साथ ही G20 कार्यक्रम को लेकर कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए सही जगह लगे तो ठीक है, लेकिन अगर मंत्रियों की जेब में जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बता दें कि रविवार शाम को पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा आयोजित होने वाली सल के होलियारों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यहां पहुंचे थे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज हुए UKPSC के पेपर में भी गड़बड़ियां पाई गई। महारा ने कहा कि इसको लेकर सोमवार को कांग्रेस के सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो 4 सेट आते हैं वही 4 सेट रिप्लिका निकले हैं। महारा ने यह भी कहा कि जो पेपर कनिष्ठ सहायक का हुआ उसके भी 4 सेट और चारों एक दूसरे के रिप्लिका हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गंगा की नगरी हरिद्वार, जहां पे निश्चित रूप से एक पूरा संदेश देश भर में जाता है, सभी को बहुत बधाई दे रहा हूं, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। यात्रा कैसे सफल हो, आने वाले लोगों को हम क्या सुविधा दे सकते हैं, कुल मिला के आप ये देखिए कि ये पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे अनेकों चुनौतियाँ हमारे सामने रहती हैं, तो इस प्रकार के मानक तय करते हैं, उस मानकों को हम लोग चुनौती नहीं हम अवसर के रूप में भी समझते हैं कि जहाँ चुनौतियाँ थी वहाँ उनको बड़े अच्छे ढंग से हम करके और स्वाभाविक रूप से हमारी यात्रा सफल हो, माँ गंगे से प्रार्थना भी करते हैं। आप देखते हैं पिछली बार 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे इस चारधाम यात्रा में आए थे, उम्मीद कर रहे हैं इस बार और ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, उसकी तैयारी के लिए हम लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं। कि आप देखिए कि जिस प्रकार की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार के अनेकों परेशानी आ रही हैं, उसमें जो जो हमें आवश्यक लगता है यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वो सरकार करे। भाई ये तो प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इसीलिए बसंत और होली दोनों एक साथ आते हैं और आपके और हमारे मन मस्तिष्क दिल दिमाग सबको हर्षित कर देते हैं, प्रफुल्लित कर देते हैं। ये कौमी एकता का त्यौहार है, प्रेम और मोहब्बत का त्यौहार है, हमेशा हम लोग खुशी खुशी मनाते रहे। और हरिद्वार की एक खासियत है, हरिद्वार ने फूलों की होली को जो है सारे देश में प्रसिद्ध कर दिया, तो मैं हरिद्वार के लोगों को ये फूलों की होली के लिए बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं चमोली के थराली रामलीला मैदान में भाजपा मंडल थराली ने कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें थराली विधानसभा से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा ने भी शिरकत की। टमटा ने थराली विधानसभा की जनता को होली की बधाई देते हुए पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। तो वहीं कार्यक्रम में स्थानीय लोग गायकों के होली के गीतों पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरके। विधायक ने कार्यकर्ताओं संग चांचरी नृत्य में सम्मिलित होकर भाईचारे और आपसी प्रेम से रंगों के पर्व को मनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती, ब्लॉक प्रमुख थराली कविता नेगी, जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी, सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद दिखे। निश्चित रूप से आज रंगों का त्योहार, सौहार्द का त्योहार, मिलन का त्योहार,
और आज थराली मंडल में ये जो होली मिलन का समारोह रखा गया था, निश्चित रूप से ये एकता के सूत्र में बांधने का, हम सब लोगों के आपस में प्रेम भाव को आगे बढ़ाने का त्योहार है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं इस मौके पर आज अपने थराली मंडल के सम्मानित मंडल अध्यक्ष जी को, दोनों महामंत्रियों को और जिले के महामंत्री हमारे श्री राकेश जोशी को और तमाम पूर्व मंडल अध्यक्ष से लेकर के सारे मंडल के जो हमारे लोग आए हैं और पूरे क्षेत्र के लोग जो आए हैं, मैं सबको रंगों के त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे थराली से आज अपने पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को होली के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत। हरिद्वार की जहां पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी के नाम से रंगदारी मांगने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात सुनील राठी जेल के भीतर रहकर ही फिरौती और रंगदारी का नेटवर्क चला रहा है। पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने पर सुनील राठी के गुर्गो सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया है। सुशील गुर्जर के पास से पुलिस को बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो कार और 10 जिंदा कारतूस के साथ पिस्टल भी बरामद हुई। पकड़े गए गुर्गे सुशील गुर्जर पर हरिद्वार और सहारनपुर जिले में कई आपराधिक केस दर्ज हैं। रुपेश वालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या तमाम जानकारी? आरोपी गिरफ्तार हो गया है, रंगदारी मांगी थी, क्या पुलिस की आगे की कार्रवाई रहेगी? अब देखिए, पुलिस यहाँ पर पिछले दिनों गुरुकुल गांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता हैं और गुरुकुल गांगड़ी विश्वविद्यालय में अध्यक्ष भी रह चुके हैं रविकांत मलिक, उन्हें और उनके भाई को कुछ अज्ञात लोगों ने फोन करके व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी थी कि उनका जो नवोदय नगर में रौशाबाद में जो प्लॉट है, या तो 50 लाख रुपए की रंगदारी वो भिजवा दें, वरना तो वो उनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो उन्होंने उसके बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया था। तो पुलिस या छानबीन में ये पता चला कि व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो है कॉल की गई थी और कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के माध्यम से जो कुख्यात सुशील राठी है वो भी कॉल में जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से ये धमकी दी गई थी रंगदारी वाले मामले में। तो उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद कल जो है पुलिस ने सुशील गुर्जर, जो कुख्यात सुशील राठी का एक शूटर है, उसे गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो और पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उसके बाद ही पुलिस या पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि उसने ही रविकांत मलिक और उसके भाई से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और ये रंगदारी ना देने पर उनका जो नवोदय नगर में रौशनाबाद में जो प्लॉट है उस पर कब्जा करने की बात भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। अभी पुलिस का कहना यही है कि जो आरोपी पकड़ा गया है सुशील गुर्जर, उसके खिलाफ हरिद्वार और सहारनपुर में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसके रिकॉर्ड फिलहाल पुलिस यहाँ पर संभाल रही है। जी पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया रुपेश आपका तमाम जानकारी इस पूरे मामले को लेकर पहुंचाने के लिए। नशे के अवैध कारोबार को लेकर चमोली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में चमोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 7.25 ग्राम स्मैक भी बरामद किए। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग में कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में सूचनाओं के आधार पर पुलिस पूरे मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। होली के त्योहार पर मिलावट खोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि दूध, दही, पनीर, मावे आदि की मिलावट की खबरें लगातार सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन त्योहारी सीजन में ग्राहक खुशी खुशी मिठाई खरीदने अपने परिजनों और सगे संबंधियों के साथ बाजार का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मिलावट खोरी का धंधा कोई नया नहीं है, ये वर्षों से चला आ रहा है, जिसके चलते मिलावटी मिठाइयां, लोग इन सबसे बीमार हो जाते हैं और ये खतरा बना रहता है। ऐसे में जिला खाद्य संरक्षा अधिकारी अब सतर्क नजर आ रहे हैं। लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही है और मिलावट खोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसमें ये है, जैसे होली को लेके आप लोग जो है ज्यादातर मावे की खरीदारी होती है, गुजिया की खरीदारी होती है, तो हमारा ये कहना है कि आप जहाँ दुकान में जाते हैं उसमें देखें कि उसका FSCI लाइसेंस और रजिस्टर्ड है दुकान, ये चीज़ देखे और उसका बिल ले,
और जो आप बिल लेते हैं बिल में भी उसका लाइसेंस नंबर रहता है। अगर आपको उसमें ये लगता है कि जो है जो मिठाई है वो सही नहीं है तो आप हमारे उसमें जो है ऑनलाइन आप उस FSCI नंबर को उस दुकान जो उस दुकान का उसको डालते ऑनलाइन भी आप हमारे जो हमारा ऑनलाइन फूड सेफ्टी कॉम्प्लाइंस जो पोर्टल है उसके थ्रू आप शिकायत कर सकते हैं। और विभाग द्वारा इसमें एक टोल फ्री नंबर भी है, टोल फ्री नंबर से भी आप शिकायत कर सकते हैं और उसमें फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे जो जैसे शिकायत आती है। पल है हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। योगेश, मिलावट खोरों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि त्योहारी मौसम चल रहा है, इस बीच लोग सुरक्षित रहें, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, इसको लेकर लगातार खाद्य विभाग अलर्ट पर है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही त्यौहार आते हैं, फिर चाहे होली की बात करें, दीपावली की बात करें, तो मिलावटखोरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने अगर मिठाइयों की बात करें तो इस समय मिठाइयों के जो बिक्री है वो एकदम से दुगनी या तिगनी हो जाती है और संसाधन उनको बनाने के सीमित ही है, इस वजह से मिलावटखोरी बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर चाहे पनीर को बनाना हो या फिर खोआ बनाना हो, मिठाइयां बनानी हो, इन सभी में कुछ ना कुछ जो है मिलावटी जो है वो दिखने लग जाता है। इसी को लेकर खाद्य विभाग भी इस समय कोशिश करता है कि लोगों को जो है वो सचेत रखा जाए, वो छापेमारी करता है, कर भी रहा है छापेमारी। अलग अलग बड़े बड़े जो रिटेल स्टोर हैं, बड़े बड़ी जो मिठाइयों की दुकानें हैं, वहां पर भी जो है छापे मारे जा रहे हैं, वहां पर भी ये देखा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है और कई सारी चीजें सामने भी आती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से इस बार टोल फ्री नंबर भी दे रखा है, इस बार कहा गया है कि अगर आपको शिकायत आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और ये सब चीजें जो है आम लोगों के लिए है कि आम लोग सचेत रहें, वो समझे कि उन्हें क्या लेना है क्या नहीं। बिल्कुल, आम लोगों को खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। हमेशा से ही विवादों में रहने वाली जिला पंचायत पौड़ी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस बार भाजपा के ही जिला पंचायत सदस्य थेर गौरव रावत ने जिला पंचायत पौड़ी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। पिछले दिनों थेर गौरव ने जिला पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया, जिसमें मांग की गई है कि जिला पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार की मुख्यमंत्री जांच करवाएं और इसमें शामिल सभी कर्मचारियों और उनके परिजनों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने कहा कि अगर ज्ञापन देने के बाद जल्द ही कोई ठोस कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशों में नहीं होती है तो वो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। वहीं हरिद्वार के पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मचारियों ने होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। महिला पुलिसकर्मियों ने गुलाल लगाकर होली खेली और एक दूसरे को होली की बधाई दी, साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस भी किया। वहीं इस मौके पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया जिसमें सभी महिला पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों का मेडिकल चेकअप किया गया। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।